कितने रुपए केजी आती है माता जी? उधर जाओ, 20,000 का। ये 20,000 का एक मच्छी है। इस तरह से मैडम वगैरह यहाँ पे मच्छी वगैरह ये के दोस्तों फिलहाल अभी आ रही हैं अंदर की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। फिलहाल दोस्तों अभी मैं जहाँ पे जाने वाला हूँ उस जगह का नाम है सेशन डक। सेशन डक इसीलिए भी काफ़ी फेमस है क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो समुद्र से मछुआरे मच्छी को पकड़ते हैं वहीं पे जाके वो दोस्तों खाली करते हैं और वहीं पे मच्छियों की बोलियाँ लगती हैं और वहाँ पे बहुत सारे जो गरीब होते हैं जो जाके वो मच्छी को ख़रीदते हैं और सुबह सुबह के टाइम दोस्तों वो जगह जगह जाके बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैं दोनों चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो मछुआरे जाते हैं मच्छी ख़रीदने के लिए दोस्तों वो किस तरह से मच्छी ख़रीदते हैं और जो बोट से मच्छी मार के ये आते हैं वो किस तरह से मच्छी बेचते हैं। क्योंकि मैंने सुन रखा है कि वो जब मच्छी मारने जाते हैं तो दोस्तों एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन समुंदर के अंदर ही रहते हैं। आठ आठ दिन दस दस दिन अभी अशफाक भाई बता रहे हैं दोस्तों, 8-8 दिन 10-10 दिन वो समुंदर के बीच में रहते हैं और फिर मच्छी मार के ये आते हैं। उनकी पूरी टीम होती है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वहाँ पर मुझे जानकारी मिलती है और लोगों की ज़िंदगियाँ दिखाने को मिलती है वो सारी चीज़ें दिखाऊँगा। फिलहाल दोस्तों मैं अभी CST स्टेशन से जस्ट बाहर निकला हुआ हूँ और यहाँ बाहर बैठा हूँ। अभी सुबह का माहौल है, करीबन दोस्तों 6:30 बज गया है और देख पाएंगे रोडों पे इतनी शांति अमूमन आपको मुंबई में नहीं देखने को मिलेगी। ये पूरा CST का एरिया है, ये काफ़ी VIP एरिया है। तो अभी यहाँ पे मैं एक बार इसे आपको बाहर बाहर से माहौल दिखाता हूँ और फाइनली दोस्तों मैं अभी बस का वेट कर रहा हूँ, बस आता है और फटाफट निकलता हूँ यहाँ से। वैसे आप भी अगर कभी यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको बस नंबर बता दूँ, अगर आप भी कभी जाना चाहते हैं सेशन डेक, तो 3 नंबर 11 नंबर 125 नंबर की बस दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगी और यहाँ से आप बस पकड़िए और सीधा दोस्तों आप सेशन डेक पे जा सकते हैं। फाइनली दोस्तों अब हम सीधा मिलते हैं आपसे सेशन डेक पे, क्या कहते हैं अशफाक भाई? हाँ वहीं चलते हैं और भाई मेरे से भी बड़ी बड़ी मछली देखने मिलेगी वहाँ। आपसे बड़ी बड़ी है? हाँ, और वजन आपसे ज्यादा? ज्यादा रहेगा वजन, मछली का वजन ज्यादा रहता है। अच्छा अच्छा, वो सारी चीजें अभी देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि भाई कहाँ आ गए, चारों तरफ मछली। बहुत खतरनाक माहौल रहता है मतलब, हाँ कहने की बात ये भी है दोस्तों, वहाँ से मछलियाँ निकलती हैं ऑलमोस्ट पूरे मुंबई में, पूरे मुंबई में सप्लाई होती है। मतलब बहुत सारे और दो तीन जगह और है लेकिन हाँ। वो एक बड़ा जगह मतलब बहुत बड़े इलाका में। अच्छा, तो फाइनली दोस्तों अभी मैं काफ़ी मेहनत एंड मशक्कत के बाद बस ने मुझे दोस्तों अभी सेशन डक पे ड्रॉप कर दिया। ये सामने की तरफ देख सकते हैं दोस्तों, खूबसूरत सा सेशन डक बना हुआ है, करीबन वहाँ पे लिखा हुआ 1871, मतलब मुझे लग रहा है दोस्तों ये 1871 से यहाँ पे फिशिंग वगैरह की काम होती है। भाई साहब यहाँ पे देखेंगे ना बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और बहुत सारे मैडम इस तरह से दोस्तों मच्छी लेने के लिए मतलब छोटे छोटे पोटले बना के अंदर की तरफ जा रही हैं। और फिलहाल दोस्तों अभी हम भी चलते हैं आपको सेशन डक पे, दिखाते हैं किस तरह से मछुआरों का जीवन यापन होता है और किस तरह से मछलियाँ पकड़ के जाती हैं। इस तरह से मैडम वगैरह यहाँ पे मच्छी वगैरह ये के दोस्तों फिलहाल अभी आ रही हैं अंदर की तरफ से और अभी हम भी दोस्तों चलते हैं अंदर की ही तरफ, मतलब वो अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आ रहे हैं और हम जा रहे हैं दोस्तों अभी अंदर की तरफ। बाकी यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों ये जो पूरी गाड़ी वगैरह जगी हैं, ट्रक वगैरह यहाँ बहुत सारे जगह हुए हैं, स्पेशली दोस्तों ये फिश वगैरह इसी पे लोड होने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों अभी सेशन डक के अंदर मैं जैसे जैसे एंट्री कर रहा हूँ ना भाई साहब, क्राउड वैसे ही काफ़ी भयंकर है और यहाँ पे मैडम कुछ CP वगैरह बेच रही है, पता नहीं क्या बेच रही है लेकिन यार भीड़ भाड़ अभी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर मुझे जो है सबसे ज़्यादा दिख रही है वो हाथ गाड़ियाँ दिख रही हैं और इस तरह से जो बर्फ़ के अंदर मच्छियाँ पूरा ढक के ये के जा रहे हैं, मतलब पूरा बर्फ़ में मच्छियाँ दबा के आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। बाकी अभी यहाँ पे देखिए कुछ आंटियाँ ड्राई फिश वगैरह बेच रही हैं। अभी मेन दोस्तों मैं भौचा ढक्का पे आ चुका हूँ, बाकी इधर देखिए पूरी आंटियाँ यहाँ पे ड्राई फिश सेल कर रही हैं और ये पूरा जो दोस्तों आप देख रहे हैं ये पूरा जो गोडाउन टाइप का, ये पूरा मच्छियों का ही गोडाउन वगैरह है। जो मच्छियाँ आती हैं यहाँ पे प्रिजर्व करके रख दी जाती हैं। बाकी फाइनल दोस्तों अभी मैं समुंदर के किनारे की तरफ आ गया हूँ, बाकी यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरह से क्या है आंटी, कौन सी मच्छी है ये? वो सिप्पी बोलते हैं उसको। कितने रुपए का आता है ये? 200 रुपया, 150 में देगा। 150 रुपए केजी? हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये सीपी है फिलहाल दोस्तों, 150 रुपए केजी मिलता है। सीपी वगैरह भी बेचा जाता है भाई ना, 150 रुपए केजी। यहाँ पे कितना सीपी है ना आंटी, कितने रुपए केजी है? 100 रुपए केजी। 100 रुपए कोई सा भी? कोई सा भी 100 रुपए केजी है? अच्छा अच्छा ओके,
100 रुपए 80 रुपए के जी दोस्तों सीपी बेची जाती है, लोग बड़े चाव से खाते हैं। ये समुद्री फिश है, बाकी यहाँ पे देखिए दोस्तों मच्छी वगैरह भी जो कि बेच रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं तो समुद्र के किनारे, वहाँ पे देखेंगे दोस्तों किनारे किनारे से मछुआरे लोगों की बोट वगैरह लगी हुई है जो पूरा इस तरह से मच्छी वगैरह का चेजिंग करते हैं। यहाँ पे बर्फ भी इकट्ठा रखा हुआ है कि मच्छी भी खरीदी और बर्फ में दबा के फिर ये की जाएगी। ये देखिए यहाँ पे मच्छी वगैरह। तो फिलहाल दोस्तों अभी ये किनारे किनारे जो आप समुंदर देख रहे हैं यहाँ से मछुआरे की जो बोट्स आती हैं ये किनारे किनारे यकती हैं। ये साइड साइड देखिए ये किनारे किनारे पूरी मछुआरे की बोट यकती हैं और इधर ही से दोस्तों वो मच्छी का ट्रांसफ़र करते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे बोट दिखेंगे, 1, 2, 3, 4 मतलब यहाँ से ही दोस्तों बहुत सारी बोटें दिखेंगी। इधर फिलहाल अभी छोटी छोटी बोटें दिखाई दे रही हैं लेकिन जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बोट वगैरह दिखाई देंगी। और क्राउड इतना ज़्यादा है भाई साहब, क्राउड इतना ज़्यादा है कि कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पे चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे आंटियाँ हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं जो मच्छी वगैरह का इस तरह से सेलिंग कर रही हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों काफ़ी लोगों का गैदरिंग है, यहाँ से ये मच्छी वगैरह उठा के एक जाती हैं और अपने एरिए में बेचती हैं। देखिए दादी जी हैं और यहाँ पे आई हुई है दोस्तों इस तरह से पूरा मच्छी वगैरह का सेलिंग करने के लिए। यहाँ पे मोस्टली दोस्तों होल सेलिंग का ही काम होता है, इस तरह से बड़े बड़े टोकरे में सिर्फ और सिर्फ मच्छियाँ भरी रहती हैं। अगर आपको कुछ मच्छियाँ वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए कुछ इस तरह से मैडम वगैरह मच्छी वगैरह बेच रही है और इस तरह से पूरा यहाँ का दोस्तों मच्छियों को वहाँ यहाँ पे भी देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी दोस्तों मच्छी वगैरह लगी हुई है सामने की तरफ। ये मच्छी का नाम क्या है मुझे नहीं पता लेकिन काफ़ी बड़ी बड़ी काफ़ी चौड़ी चौड़ी मच्छियाँ यहाँ पे। वो सामने की तरफ मुझे यार एक मच्छी दिख रही है यार, ये काफ़ी बड़ी मच्छी है आंटी। वो कौन सी मच्छी है ये वाली कौन सी मच्छी? दाढ़ा है क्या? पता नहीं यार, दाढ़ा आंटी बता रही है। बाकी काफ़ी बड़ी मच्छी है यार और यहाँ पे भी देखिए दोस्तों वही मच्छी सेम टू सेम यहाँ पे भी है, काफ़ी बड़ी बड़ी मच्छियाँ। इस तरह से फिलहाल दोस्तों पूरा मच्छी का मार्केट है आगे की तरफ। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे देखिए चार की मच्छी है और ये कितने रुपये के जी आती है माता जी? उधर जा। सुनो कितने रुपए के जी आती है? 6000 रुपए पूरे का। फिलहाल कितने के जी? फिलहाल जैसे ये पूरी जो बड़ी सी मच्छी देख रहे हैं काफी बड़ी मच्छी है और ये मैडम इसका प्राइस जो बता रही है करीबन 6000 रुपए का ये पूरी एक मच्छी पड़ने वाली है। इस तरह से पापलेट पता नहीं करेगा सुरमई और यहाँ पे दोस्तों आपको काफी बड़ी बड़ी सुरमई मच्छी देखने को मिलेगी। ये मुझे लग रहा है ये 5000 साढ़े 5000 की पूरी मच्छी होगी। इतना महंगा महंगा मच्छी भी बिकता है भाई साहब। खैर खाने वाले फिलहाल दोस्तों खाते ही होंगे इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ। बाकी समुंदर के किनारे किनारे दोस्तों इसी तरह के यहाँ पे पूरा सेशन डक बना हुआ है, मतलब कई सारा यहाँ पे अगर देखेंगे तो लाइन से पूरा डिक वगैरह बना हुआ है और यहाँ पे जो मछलियाँ वगैरह खरीदते हैं। बाकी बाप रे इधर देखो भाई साहब क्या एक मच्छी है यार, इतनी बड़ी मच्छी है यार, ये तो मेरे साइज से भी बड़ी मच्छी होगी। अशोक भाई ये मच्छी उठा पाएंगे क्या? हाँ आपको बोला था ना यार ये तो आपसे बड़ी होगी। हाँ। कौन सी मच्छी है मैडम? बोरोसा। बोरोसा, बोरोसा। बोरोसा है क्या? ये कितने रुपए के जी आती है? 20,000 का। ये 20,000 का एक मच्छी है? बाप रे बाप। फिलहाल ये देखो एक मच्छी 20,000 रुपए का। वाह यार काफी मतलब शानदार मच्छी है यार, बड़ी मच्छी। कितने के जी की होगी अशफाक भाई कभी आइडिया? 100 केजी की होगी। 100 केजी नहीं होगी? कितने के जी की होगी मैडम ये मच्छी? 50 केजी होगा? बाप रे, ये जिस जाल में आया होगा वो जाल भी थे एकदम से। बहुत टेस्टी होता है क्या? तो इसका रेट भी तो बहुत अच्छा है 20,000 रुपए। शादी में खाना पूरे लोगों की एक महीने की कमाई जाएगी 20,000 रुपए। ये सारे रेस्टोरेंट वाले लेते, रेस्टोरेंट वगैरह वाले लेते होंगे, वो छोटा छोटा पीसेस बना के बेचते होंगे। मतलब कुछ रहता है तभी वो बनाते हैं।
अच्छा आप लोग फीस लेने आई है क्या? हम लोग मच्छी देखने के लिए आई है, अभी तो मिल रही नहीं, बहुत महंगा है, बहुत महंगा मच्छी है ना। यहाँ पे मैडम जी भी आई है, यहाँ पे फिश वगैरह खरीदारी करी। आपका नाम क्या मैडम? शुभांगी नहीं। अच्छा शुभांगी जी है, वो भी यहाँ पे फिश वगैरह लेने के लिए आई हुई है, और यही मच्छी वो भी देख रही थी जो मच्छी मैं देख रहा था। इतना बड़ा मच्छी भाई साहब, वाकई अशोक भाई ये मच्छी यार काफी बड़ी है, 20,000 रूपए यार, ये भी काफी महंगा है। महंगा है, बहुत महंगा है भाई साहब। 20,000, 2,000, 8,000 की मच्छियाँ मिल रही है, वो भी एक एक मच्छी, लेकिन मच्छी की साइज भी काफी बड़ी है दोस्तों, 50 केजी के आस पास ये मच्छी है। तो फिलहाल दोस्तों ये देख रहे हैं यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बोटें लगी हुई हैं, स्पेशली दोस्तों यही सारी वो बोटें हैं जो मच्छियाँ पकड़ के जाती हैं और इस तरह से किनारे की तरफ मैडम वगैरह बेचती हैं। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों किस तरह से पूरा लाइन से लोग यहाँ पे लगे हुए हैं मच्छी बेचने के लिए। मतलब ये काफ़ी बड़ा एरिया है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं जो मच्छी वगैरह का चेंजिंग करती हैं। यहाँ पे फिलहाल दोस्तों वीडियो बनाने के लोग थोड़ा सा एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन सभी नहीं मना कर रहे हैं, इक्का दुक्का लोग हैं। इसको मैंने आपको ऑलरेडी बोट वगैरह दिखाई दिया कि इन्हीं सारी बोटों से मच्छियाँ आती हैं। बाकी ये जो कैरेट वगैरह देख रहे हैं, ये जो बीच में दोस्तों आप छोटा छोटा सा गड्ढा देख रहे हैं, इसी में ये जो भाई लोग मच्छी को प्रिजर्व करते हैं, मतलब मच्छी को रखते हैं। करीबन इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरा अंदर गड्ढा बना हुआ है, तो जब ये मच्छी मारते हैं तो इसी के अंदर ये बर्फ़ रखते हैं और इसी बर्फ़ में पूरा मच्छी वगैरह स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद फिर दोस्तों इसी तरह से ये कैरेट में भर भर के मच्छी को बाहर निकालते हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी इनका जो बोट है वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है, तो इस वजह से ये अभी अपने बोट का पूरा साफ़ सफाई कर रहे हैं। और एक बोट में करीबन 7 से 8 लोग रहते हैं और 7 से 8 दिन दोस्तों लगता है इनको इस तरह से मच्छी मारने के बाद यहाँ पे किनारे देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी मैडम हैं जो स्पेशली मच्छी वगैरह बेचती हैं, और मुझे ये बात ना वाकई काफ़ी शानदार लगती है कि औरतें इतनी सशक्तिकरण से यहाँ पे मच्छियाँ बेचती हैं। मुंबई में स्पेशली दोस्तों ये आपको माहौल देखने को मिलेगा। यहाँ पे ज़्यादातर जो मुझे एक चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पे लेडीज़ वगैरह ही दोस्तों ज़्यादा फिश वगैरह बेच रही है। अभी ये मैडम भी फिश वगैरह बेच के पूरी खाली हो चुकी हैं, अभी अपने टोकरी की सफाई वगैरह कर रही हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको पूरा यहाँ पे सेशन डक का पूरा माहौल वगैरह देखने को मिलेगा। मैं भी दोस्तों एक छोटी सी कोशिश कर रहा था कि आपको यहाँ पे एक शानदार वीडियो दिखा पाऊँ। अभी एक बोट और आया है दोस्तों, वो अभी पूरा यहाँ पे हमें लग रहा मच्छी वगैरह खाली करेगा। एक बोट आता है, एक बोट जाता है, इसी तरह से पूरा दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा शानदार वाला ज़िंदगी और माहौल देखने को मिलेगा। जो इस नाव पे रहते हैं 8-8 दिन अपने घर परिवार से दूर मच्छियाँ मारते हैं, और उनकी जो मैडम वगैरह रहती हैं वो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आके मच्छी वगैरह बेचती हैं। और ये स्पेशली दोस्तों मछुआरे कम्युनिटी के लोग होते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं। सुबह सुबह दोस्तों करीबन 4 बजे ये फिश मार्केट लगता है, और 4 बजे से ये के करीबन 10 बजे तक यहाँ पे काफ़ी क्राउड रहता है, और उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों क्राउड वगैरह ख़त्म हो जाता है। तो कुछ इस तरह के सीन्स वगैरह होते हैं। वहाँ पर भी देखिए सामने की तरफ भी, तो अंदर ये भाई घुस रहा है, ये भाई अंदर से मच्छी निकालेगा। तो इसी तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर पूरा देखने को मिलेगा, ये देखिए अभी ये भाई एक मच्छी निकाला। तो इस तरह से दोस्तों पूरा यहाँ पर आपको शानदार वाला माहौल देखने को मिलेगा। और बाकी ऊपर की तरफ मैं देख रहा हूँ, इस बोर्ड के ऊपर की तरफ उस भाई ने मच्छी वगैरह टांग रखा है सुखाने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों कुछ सीन वगैरह थे जो मैं फिलहाल दोस्तों अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो छोटा छोटा टोकरा लेती हैं और उसी टोकरे में दोस्तों मच्छियाँ ये जो यहाँ पे होलसेल के दाम से बेचती हैं। ऐसा नहीं है आप रिटेल में चाहते हैं तो आपको रिटेल में भी दे देती हैं। बाकी कुछ मैडम यहाँ पे थी जो केकड़े को काटी उठी थी, तो यहाँ पे सिर्फ उसका पैर वगैरह बचा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे भी दोस्तों इस तरह से पूरा फिश मार्केट का माहौल था जो मैंने अभी दिखाया। यहाँ पे भी दोस्तों बहुत सारी मच्छियाँ इस तरह से इकट्ठा की गई हैं। बाकी ये देखिए इधर से पूरा साइड से इस तरह से पूरा मच्छी मार्केट का माहौल था जो कि आज दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाने की कोशिश किया। अभी फाइनली दोस्तों अभी हम चलते हैं थोड़ा सा सेशन देखते हैं बाहर की तरफ। लेकिन मच्छियाँ देखा दोस्तों आपने, कितनी बड़ी बड़ी मच्छियाँ थी। इस तरह से टोकरे में भर के इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम होता होगा दोस्तों, बाहर बाहर मच्छियाँ वगैरह जाती हैं, जो फिलहाल मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारी फैमिलीज वगैरह भी दोस्तों आई हैं स्पेशली यहाँ से फ्रेश मच्छियाँ लेने के लिए, क्योंकि अमूमन दोस्तों हर जगह फ्रेश मच्छियाँ मिलती नहीं हैं, क्योंकि 2-2 दिन 4-4 दिन की। बाकी यहाँ पे देखिए यार पूरा खूनम खान हुआ पड़ा है मच्छियों की, पूरी खून दोस्तों यहाँ पे फ्लोर पर पलटी हुई है। बाकी ये देखो दोस्तों ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी मच्छियाँ हैं, और ये कौन सी मच्छी रही होंगी अशफाक भाई, उसके देख रहे हो यहाँ पे उसका मुंह कितना बड़ा है भाई, मुझे लग रहा है ये तो और बड़ी मच्छी रही होगी। और देखो इसका पूछ देखो भाई साहब, ये हमें लग रहा है दोस्तों काफ़ी बड़ी मच्छियाँ थी, और ये अभी काटी पीटी गई है। अशफाक भाई ये देखो
काफी बड़ी मच्छी थी स्वाग भाई लग रहा है ये। हाँ, बहुत बड़ी थी और इसका पीसेस वहाँ पे रखा हुआ है। कहाँ पे? वो देखो उधर। अच्छा, इस मच्छी का फिलहाल जैसे मैं पीसेस आपको दिखाता हूँ सामने की तरफ। इसका जो मच्छी का ये पीस काट के दोस्तों यहाँ पे रखा हुआ है। बाप रे बाप, ये मच्छी का पीसेस है। देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी दोस्तों यहाँ पे मच्छी की पीसेस बनाई गई हैं। एक मच्छी यार मतलब काफ़ी वजनी दिख रही है यार। ये पूरी मच्छी देखिए यहाँ पे, उस जो काटी गई थी उसका ढकना पखना यहाँ पे है और पीसेस दोस्तों वहाँ पे रखी गई। ये कौन सी मच्छी थी सर? बाखड़ बता रहे हैं। अच्छा, ये बाखड़ मच्छी है क्या? बहुत बड़ी है सर। हाँ, ये काफी बड़ी मच्छी है। देखे आपने पीस? हाँ, पीसेस देखा यार, काफी बड़ी बड़ी मच्छी है। डेक से बाहर निकल गया हूँ, मेन जो फिश मार्केट था उससे बाहर निकल गया हूँ। अभी मैं इस तरह से रोडों पे आ गया हूँ। रोडों पे अगर आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पे किनारे किनारे से भी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, मच्छी की, हलवा पूड़ी की। और भी यहाँ पे क्राउड देखिए भाई साहब, इतना ज़्यादा आज यहाँ पे रश है कि पैदल चलने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। क्योंकि दोस्तों जो ये हाथ वाली गाड़ियाँ हैं ना, ये लोगों ने जगह जगह के पूरा एकदम भयंकर तरीके से जाम लगा दिया है। देखिए अभी एक अंकल जी यहाँ पे कितनी शिद्दत और मेहनत के साथ खींचते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों एक अंकल है। और मैंने एक चीज़ जो नोटिस किया है, जो इस तरह से हाथ गाड़ी वगैरह सजाते हैं वो ज़्यादातर दोस्तों ओल्ड एज के ही लोग हैं। बाकी देखिए सामने की तरफ भी एक अंकल दोस्तों यहाँ पे इस तरह से पूरा मच्छी वगैरह खींचते हुए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी मतलब एजेड हैं और इस तरह से हाथ गाड़ी से दोस्तों ये मच्छी वगैरह को कस्टमर से गाड़ी तक पहुँचाने का ये काम करते हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी मेहनत भरा काम करते हैं। और बाकी आज रेडी मैंने ये दिखाया है दोस्तों, ये बर्फ़ काटने की मशीन है। और फाइनली दोस्तों अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ और इस वीडियो को दोस्तों अब यहीं पे ख़त्म करते हैं यहाँ का माहौल दिखाते हुए। बाकी ये देखिए मैडम है दोस्तों इस तरह से टोकरे में मच्छी वगैरह लेके जाती हैं। मस्त पूरा हाथ फ्री रखा है और टोकरे के अंदर मच्छी इनका पूरा भरा हुआ है। तो और ये इस तरह से लेते हुए जा रही हैं और कहीं पे भी दोस्तों ये अपना छोटा मोटा दुकान लगा के इस मच्छी को सेल करके कुछ इनकम जनरेट करके अपने घर का गुजारा करेंगी, अपने बच्चों का पेट भरेंगी और अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाएंगी। तो फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये दोस्तों सलाम अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा, फिर मिलेंगे।